दोस्तों हाँ तीन इजाजत से मां जगदीश लच्छाणी के चव तो पैंजो मकालो शुरू कर जगदीश। दोस्तों मां भाषा विज्ञान जो मानू ना हाँ। पर सिंधी बोली से अध सदी से लाला पियल आया वीह सदी के छह दहाके में जैसे मूँ पहली पोस्ट ग्रेजुएशन कई त भाषा विज्ञान मुझे मौजू हो। मुख्य बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, पंडित सीताराम चतुर्वेदी, ग्रियर्सन वगैरह केतन जहाँ किताब मूँ इम्तिहान में सुठियों मार्कू खन पढ़िया हुआ है। उन से पढ़ाने में मशगूल आया तेकर सिंधी से लागू है। पेपर पढ़ हाथ में बसो मुझे मदायन की कल प्रिया पी मुझे मदायन की कल प्रिया पी कदें कोसा नचया डोरा पाले साजन सभी ढक में डोल बोली वीचार के जाहिर करने जो एक वाहन है। जैसे कोई इंसान बेन से वहमवार रखे तो संदस राबते जो जरियो बोली बनजे थी। गाल इंसान के पशुओं का अलग तरह बिहारे तो हर कौम के पहली पहली बोली आए बोली ए कौम जो रिश्तो दायमी आए। हर कौम पहले पहले एहसास जो इजहार पहली जबान में करे थी। डॉक्टर गुलाम अली अलाना लिखे तो कोट बोली आवाज़न की वह सूरत है जैमा लफ्ज़ ठहंदा ग्रामर के जबान में बोली गालहान के लफ्ज़न पार्ट ऑफ स्पीच के मदद से अदा कई वी है। बोली वो वसीलो है जो माना मकसद ए ख्याल के इजहार में मददगार साबित है। बोली गुफ्तगु या बयान करने वालों मकसद ए मफहूम आसानी से अदा कर सके थी। बोली कौम जो रूह है बोली कें भी कौम की कीमती सरमा कें भी कौम की तहजीब में जैसे उनकी जबान ए अदब के कड़ी छे तो उनके शौर ए जहन की पुजानी अची वी उन कौम के नए नसुल के वीचार के इजहार लाए नए से सोचण पवन। मोहम्मद इब्राहिम जोयो चवे तो कोट मानु के तहजीब की इबदा भी जहन के इन ही मुइजे से थे थी जैसे बोली तौर पुट बोलियों कौम के रूह जहा उन आदर्शी अक्स जहाँ उनके होने के एहसास जहा सब का सीधा ए चिट्टा इजहार है। बोली सब का बकादार मुआद है जैमें कें कौम के पाशी विजंदर सुरत रूहानी जिंदगी की मूड़ी महसूस करे थी। दुनिया में अनेक कौमू हैं हर एक कौम ए जाति के पैं पैं अलग सुप है। हर एक जाति के जीने जो पैजो मखसूस ढंग है जैमें उन जाति की रहनी करनी सोच विचार मान्यताओं विश्वास अची वन था। कें भी जाति जो हासिल कल खासियतों लक्षण इकान उन जाति की सुप बणजन था या मखसूस सुप ही एक जाति के बेन जाति का अलग कर बिहारे थी। उनके कल्चर या संस्कृति के नाले से सड़ो वो है बोली कल्चर जो अटूट हिस्सों है। सिंधी दुनिया के आगाटे में आगाटे सिंधु मातृ के सभ्यता जो वास सिंधी सारी मोहन के दरिए हड़ापा के कोटाई में मिलियल साबतियों बुधाई थी तो सिंधु की सभ्यता अज का सत्तर का नव हज़ार अग पैं बुलंदी के उरूज के रसियल हुई। वह केतन गाल में मिस्र ए मेसोपोटेमिया के तहजीब का भी गोई खड़ी हुई। असा के इन गाल से वाजबी फख्र कर तो आर्य लोक सब का अग सिंधु के किनारे से अची वसा हुआ उत ही दुनिया के अवायली ग्रंथ ऋग्वेद के रचना थी सिंध ए सिंधु माई हिंदू हिंदू लब थया है। सिंधी बोली भारत की न बल्कि दुनिया की आगाटी बोली है। भाषा विज्ञान के सजी दुनिया में छह हजार बोली की कत कई है। सिंधी बोली उन्हें में उणवंजाहु नंबर बोली है। भारत में भाषा विज्ञान के राय मूजिब पंजाह बोलियो हैं सिंधी उन्हें में तेरह नंबर से आई। दुनिया में सिंधियों जो तादाद अटकल ब करोड़ सत्तर लख जैमा ब करोड़ टीह लख सिंधी पाकिस्तान में
सिंध में 35 लख भारत में ऐं बाक़ी दुनिया जे जुदा जुदा मुल्कनि में रहनि था। शेख अयास सिंधी सिंधी ॿोली बाबति लिखे थो, असांजे ॿोली दुनिया जे क़दीम तरीन ॿोलियुनि मां हिकु आहे। उन जी उमिरि घटि में घटि 15,000 साल थींदी। मोहन जे दड़े जी 5,000 साल पुराणे तमदन ताईं पहुचण लाइ असांजे ॿोलीअ कई हज़ार साल इर्तका जूं मंज़िलूं तय कयूं। अॼुकल्ह कंप्यूटर जे ज़रिए मुग़रब जे लसानी माहिरनि मोहन जे दड़े मां लधियल मोहरनि ते उकरियल अखर पढ़िया आहिनि, तॾहिं ज़ाहिरु थियो आहे त उन्हनि ते लिखियल 5,000 साल पुराणा लफ़्ज़ अॼु बि साॻे उचार सां साॻी माना सां सिंधीअ में रायजिया आहिनि। सिंधी लफ़्ज़नि जो ज़खीरो दुनिया जे कंहिं बि ॿोलीअ में, इहो कोट आहे शेख अयाज जो, मुंहिंजो लफ़्ज़ कोन्हे। सिंधी ॿोलीअ बाबति तहक़ीक़ जारी आहे। हाणे बुण बुणियाद जूं घणियूं ॻाल्हियूं छो थियूं आहिनि, सिंधी ॿोली बाबति तहक़ीक़ जारी आहे। बुज़ुर्ग ख़्वाह नौजवान आलिम अदीब यूनिवर्सिटियुनि में ऐं यूनिवर्सिटियुनि खां ॿाहिरि सिंधी ॿोलीअ ते तहक़ीक़ करे उन जे इर्तका ते जाइज़ो वठण जी कोशिश में लॻल आहिनि। पर इहो को आसान मरहलो कोन्हे। असां सिंधी ॿोलीअ जे बुण बुनियाद ऐं नसुल ते चंद नज़रनि ताईं पहुची महदूदु रहिजी विया आहियूं, पर असां इहो कमु छॾियो कोन्हे। सिंधी ॿोलीअ जे बुण बुनियाद ऐं मोहन जे दड़े जे लिखत जे पढ़ण लाइ जदीद लसानियात जा माहिर कंप्यूटर जे मार्फत पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखी वेठा आहिनि। हिते हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी, जेकॾहिं डेटा बराबरि न हूंदो त कंप्यूटर रिज़ल्ट बराबरि न निकरंदी। जयराम दास दौलत राम पंहिंजे हिकु लेख में चए थो, सिंधी ॿोलीअ जे इतिहास में हिंदुस्तान जे भाषा विज्ञान जी घणी दिलचस्पी रही आहे। संदन चवणु आहे त किन ॿोलियुनि भारतीय ॿोलियुनि जे इतिहास में जेको ख़ाल आहे सो सिंधी ॿोलीअ जे इतिहास वसीले शायदि भरिजी वञे। सबबु उहो था ॾियनि त सिंधी ॿोलीअ में ज़माने घणो फेरो कीन आंदो आहे। अखरनि जी बनावट सदियुनि खां साॻी आहे। ॿियनि किन ॿोलियुनि में चङी तब्दीली अची वई आहे। इहो कोट आहे जनम ॻाल्हि वठां सिंध जी खोज में। साॻे लेखक में जयराम दौलत राम वधीक लिखे थो, सिंधी ॿोलीअ जो नसुल कहिड़ो आहे उन में बि संदनि दिलचस्पी आहे। ॿियनि भाषा बि आहिनि हिन सुवाल जी अञा वधीक खोज थियणु घुरिजे। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हिंदुस्तान जे सभिनी में मुख्य भाषा विज्ञानी जो इहो रायो आहे त सिंधी ॿोलीअ जो नसुल जो पतो 35 रीत पुराणी निज सिंधी रूप वारे तदभव अखरनि जे इतिहास मां पवंदो। सुनीत कुमार चटर्जी सिंधी ॿोलीअ लाइ हींअर जेको लिखियो आहे रायो थो आहे, कोट, सिंधी ॿोली हाणोकी ऐं अवाई भारतीय ॿोलियुनि मां हिकु अहिड़ी ॿोली आहे जंहिं पंहिंजी असलूकियुनि बनावटुनि खे ज़िंदह रखियो आहे। उहो हुसन संदसि ॿियनि भेनरुनि भाषाउनि विरले नज़र ईंदो। उनखे पंहिंजी दात हुसन ऐं संगीत आहे। सिंधी ॿोलीअ जे मुंड खां वठी इहा ख़ासियत रही आहे त ॿियनि ॿोलियुनि जा असर झटींदे बि उचारनि ख़्वाह ग्रामर जे सिटाव जे ख़्याल खां पंहिंजी असलियत बरक़रार रखी वेठी आहे। जयराम दास दौलत पंहिंजे हिकु ॿिए मज़मून में लिखे थो, सिंधी ॿोलीअ जे इतिहास ऐं विकास जी खोज जी घणी ज़रूरत आहे। भारत जे ॿियनि ॿोलियुनि जी सालनि खां सांदह खोजना चालू रही आहे। वरनि जे पूरे पुॼाणा जेकी दुनिया अॻियां छपजी अचे थो सो उन्हनि ॿोलियुनि जो दर्जो अंतपुर मथे चाढ़े अचणु, असीं अञा केतिरो न पुष्टे रहिजी विया आहियूं। इन जो पतो तॾहिं थो पवे जॾहिं ॿियनि ॿोलियुनि जे जीवन कहाणी जा वॾा वॾा पुस्तक पढ़जनि था। सिंधीअ जे नौजवान माइरनि लाइ वॾो कुशादो फिर मुंहुं साम्हूं पखियो बीठो आहे खे सॾे पियो। सिंधी हिकु निहायत ई वसीअ ॿोली आहे। इहा क़दीमी ऐं तारीख़ी ज़बान आहे। मोहन जे दड़े मां लधल मोहरनि जे लिखत मां मालूम थिए थो त उहा उन ज़माने में बाक़ाइदा लिखी ऐं पढ़ी वेंदी हुई। सिंधी फ़क़ति सिंध मां लड़ी आयल सिंधियुनि जी ज़बान कान्हे, पर सिंध में रहंदड़ हिंदुनि ऐं सिंधी मुस्लमाननि ऐं बारमेर ऐं कच्छ ते सरहदुनि ते रहंदड़ सिंधियुनि जी बि ज़बान आहे। गॾोगॾु विदेश में वापार लाइ वियल सिंधियुनि जी बि हीअ मातृभाषा आहे। अदब जे लिहाज़ खां सिंधी शाहूकार ज़बान आहे। शाह जो गंज त ॼण हिकु वॾी लुगत आहे। उहो ई सबबु आहे जो सिंधी ॿोलीअ
सिंधी बोली अनेक देही ऐं परदेही आलमन जे अभ्यास जे दिलचस्पीअ जो मर्कज़ बणी आहे। भाषा विज्ञान जे माहिरनि ऐं ॿियनि दानिशमंदनि सिंधी ॿोलीअ जे ख़ासियतुनि बुन बुनियाद नसुल ऐं इर्तका ते पंहिंजा पंहिंजा वीचार ॾिना आहिनि। अंग्रेज़नि जॾहिं अंग्रेज़ जॾहिं सिंध में आया त ॻोठाणनि जे वाता मच्छियुनि जीतनि जंतनि ऐं सरे नाला इस्मनि जा भाङेवार तफ़सील हर शइ ऐं हुन जे मुख़्तलिफ़ हिसे जा मुक़ामी नाला हर हिकु जानवर जे रंग ऐं नसुल मुताबिक़ संदसि नालो कुंडकर्श में पैदा थींदड़ गाह वॾियुनि वन ऐं ॿूटनि जे संदन बनावट मूजिबि नालो ॿुधी संदन वात फाटी वियो। कैप्टन जॉर्ज स्टैक अंग्रेज़नि जे शुरूआती दौर में सिंध में आयो ऐं हैदराबाद जो डिप्टी कलेक्टर मुक़रर थियो। हू सिंध में अचण सां खां अॻु हिंदुस्तान में रही चुको हो, जंहिं करे खे संस्कृत हिंदी ऐं उर्दू ज़बाननि ते चङी महारत हासिलु हुई। सिंध में अचण खां पोइ तमामु थोरे अरसे में सिंधी सिखियो ऐं सिंधीअ जे सूर सगती मुक़ररु थियण खां अॻु जेको 1823 ज़िक्र कयो आहे अॻु ई ग्रामर ऐं डिक्शनरियूं लिखियाई। जॉर्ज स्टैक सिंधीअ जो पहिरियों लुगत नवीस हो। कैप्टन जॉर्ज स्टैक सिंधी ॿोलीअ जो ग्रामर ऐं ग्रामर ऑफ सिंधी लैंग्वेज 1847 में लिखियो ऐं 1849 में उहो बम्बई सरकार जे हुकुम सां छपियो। उन किताब जे पुठियां 5 कहाणियूं आहिनि, जेका हिकु कहाणी राय ॾियारे जी बि आहे। हू सिंधीअ लाइ देवनागरीअ में आहे। हू सिंधीअ लाइ चवे थो, आई वॉज हिदर टू प्राउड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई कंसीडर इट वॉज मोर ब्यूटिफुल एंड वेरी कॉपियस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बट इट वॉज रियली वेन ऑफ मी वेन आई लर्न सिंधी। डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप जो सिंधी ॿोलीअ लाइ कयल ख़िदमतूं तारीफ़ जे क़ाबिल आहिनि। हिनखे सिंधी नंढे हूंदे खां ई जुदा जुदा ॿोलियूं सिखण जो शौक़ु हो। 1858 में हू हिंदुस्तान में आयो, पहिरियों बम्बई में ऐं पोइ कराचीअ में अची रहाइश पधीर थियो। सिंधी सिखण खां पोइ सिंधी रीडिंग बुक लिखियाई। डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप सिंधीअ जो ग्रामर बि लिखियो, जेको 1872 में शाइ थियो। हिन ग्रामर में सिंधी ॿोलीअ जे गुण बुनियाद बाबति पंहिंजो नज़रियो ॾिनो आहे। सिंधीअ खे संस्कृत आई चवण जे बावजूदि हिन जो इन जे किन अनोखियुनि ख़सूसियतुनि सबबि ॿियनि संस्कृत मां निकितल ॿोलियुनि खां निराली ॿोली सरे थो। हू चवे थो, कोट, सिंधी हिकु निज संस्कृत मां निकितल ॿोली आहे जा उत्तर भारत जे ॿियनि ॿोलियुनि जे भेट में धारे असर खां वधीक आजी रही आहे। भीम सिंह ग्रेसन वग़ैरह जो विरायो इहो ई आहे त सिंधी संस्कृत मां निकितल आहे। उन्हनि आलमनि घणो करे मार्कंडे 17वीं सदी जंहिंजो ज़िक्र जे ॿोलिया ई शइ खे आधार करे मञियो आहे। जॉर्ज ग्रेसन पंहिंजी किताब 8 जेको हुनजो लिंग्विस्टिक सर्वे वॉल्यूम 8 जंहिंजो ज़िक्र थो लिखे थो, सिंधीअ जो सिधो ऐं नज़दीकी रिश्तो ब्राचर अफ़गन सां आहे। अॼु बि उन में केतिरियूं अहिड़ियूं ख़ासियतूं मौजूदु आहिनि जेके कुझु सदियूं अॻु ब्राचर में मौजूदु हुयूं। सिंधी ॿोलीअ जे गुण बुनियाद मुतालिक़ भेरूमल महरचंद जो रायो आहे त सिंधी संस्कृत मां निकिती आहे। उनखां अॻु इहो नज़रियो डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप ऐं ॿियनि यूरोपी माहिरनि ॾेई चुका हुआ। भेरूमल महरचंद पूरो किताबु लिखी उन नज़रे खे सही साबित करण जी कोशिशि कई। हू लिखे थो, विचोले ज़माने जूं प्राकृत ॿोलियूं पालीअ जो दर्जो लंघे वधीक बिगड़ियूं ऐं कुझु अणपढ़ियलनि ॿोलीअ जा उचार बिगाड़िया ऐं वरी कुझु धारियल उन्हनि बिगड़ियल ॿोलियुनि खे नालो ई ॾिनो हुयो अपभ्रंश, जंहिंजी माना आहे भ्रष्ट थियल या खरियल। पोइ त हिंदुस्तान जे जुदा जुदा भाङनि जूं उहे अपभ्रंश ॿोलियूं बिगड़जी हाणोकियूं हिंदी सिंधी गुजराती वग़ैरह ॿोलियूं। मतिलबु त ईअं खणी चइजे त आगाटियुनि प्राकृतनि पाली ऐं हाणोकियुनि ॿोलियुनि जे विच वारो ॾाको अपभ्रंश प्राकृत ॿोलियूं आहिनि। 1711 में जॾहिं अर्बन सिंध ते काह कई अथऊं त उतां जी ॿोली वधीक बिगड़ी,
इन ये बिगड़ियल बोली के विराचत अपरभ्रंश अपभ्रंश सजल हो अप विराचत माने गदे जा चप जेमा हाणो की सिद्धि ठई एती त कोटा बिल मरी बच जा पोपटी हिरानंद ने वरी रायो आए उने कुछ बियो आए पोपटी हिरानंद ने ख्याल मुरी सिंधी संस्कृत का अबुजी दवा हुआ पहले किताब सिंधी बोली में चवे थी वैदिक संस्कृत में पुराने में पुरानो किताब ऋग्वेद आए जो अढ़ाई हजार बरे अग लिखे हो होना सिंध मातृ की सभ्यता जैसी झलक मोहन के दरे में मिले थी सा 5000 बरे जूनी आए सिंध के सरजमीन से एक सुधरियल कौम आबाद हुई जैके पैंजी एक जबान हुई जैजा मानू रहनी कहने में सभ्य हुआ जे तमाम सुखिया सताबा हुआ मथियम ध्यान में सब थे तो सिंधी संस्कृत का घड़ी कोई जबान आए जिसको अपोखी रंग सिंधी बोली तमाम कदीम तारीखी जबान है इन की परंपरा तमाम कोई नहीं है मोहन के जड़े में लदड़ मोहरन के लिखत में पतो पवे तो वह बाकायदा लिखी पढ़ी वी है शुरुआत का सिंधी बोली की यह एक बड़ी खासियत रही है तो बेन बोलियों का असर जटीले भी उच्चारण ए ग्रामर के सिताव के लिहाज का पैंजी असलियत बरकरार करी है सिंधी बोली मुख्तलिफ़ दौर में तरक्की कंदी आई है वक्त वक्त उन में सुधारा ए वाधारा थींदा रहा है यह एक जिंदह बोली है एक हम बीठल गाने वो नदी जहाँ सदाई बहंदी रहे थी किनारे के पत्थरन मित्रन के बोरे पान सा मिलाई मेलन जा मेल लटारी बदिलियल किनारन सा कहीं पूरत ठहकाली हली आई सिंध के एराजी में जन्म वी गड़ियल हमलावर के बोली जा असर खणदे धारन लफ्जन उचारन मुआवरन के पेंो कंदे अग्या वधी आए अज हुआ हिंद सिंध ए दुनिया की बेन केतन मुल्क में गाली वे थी उही सबब है जो भाषा विज्ञान के माहिर में सिंधी बोली के नस्ल बाबत एक राय कानी केतन आर्कियोलॉजिस्ट जो चवण है तो मोहन के दड़े के बोली से 10% कम मस थो है जैसे कम करने की जरूरत है रिसर्च इज एंडलेस ओशन बहरहाल जुस्तजू जारी है सिंधी संस्कृत प्राकृत की विराचत अपभ्रंशा निकती है इन धारणा के जयराम दौलत राम सही हो हाँ जो मुख्य मुझो जो जै गाल पिन पॉइंट करी है वो अगर या ड्रेग इन कर टाइम जो बैकग्राउंड ही खबर मार्कंडेय के राय मुताबिक संस्कृत पैंजे समारियल रूप में तब्दील थी पाली ए प्राकृतिक वारन पड़ावन के पौती अगते हली जमान मकान के सूरत हाल अनुसार ए मानों के इस्तेमाल करे आयल बदलाव सबब जुदा जुदा मकानी अपभ्रंश रूप कम अचन लगा जिनके अलग अलग नालन सा पुकारो थी वो ईस्वी 11वीं सदी के शुरुआत में विराचल अपभ्रंश में सिंधी बोली निकली निर्वाह ए मार्कन ये रिपोर्ट क्यों है जैके जयराम दास दौलत राम सही तो जयराम दास दौलत राम की एक आलिम फाजिल शख्सियत हुई इनके केतन बोली जो दस्तर हो वो आजाद भारत में खाद खुराक जो मंत्रालय जो पहलो मंत्री ए आसाम राज्य जो गवर्नर भी रही चुको इधर सवाल अटकल 30 दहाका राज्यसभा जो मेंबर भी रहो अक्सर इनके एक सियासतदान के नाते से सुना तो वो है पर जे उनका वेझा है उनके खबर आ तो वो सुठो अदीब जानू दानेश्वर मुझी भी खुशकिस्मती से उनसे बटे दफा मुलाकात थी 60वें दहाके में असो स्वर्गवासी दोस्तो कृष्णलाल बजाज जो मुख्य वी हल खार में मोटवानी के घर में अची जयरामदास रो पर उनका कम्युनिकेशन कर न सकस जो जैसे उनका मना तो वो कन में हिंदी एट पाई वो मुख्य चवन मां बुरो न आया तू चंगी तरह गाले एको मां दूर सा गाले जे मां बुरो है जा देयरफॉर आई हैड मिजरेबली फेल्ड इन कम्युनिकेशन विद डॉक्टर जरामदा एनीवे पर अदब हजरत के जान आए तो वो एक वडो आलम हो तहकीक में इन की दिलचस्पी हुई इन जो मुतालो घर हो उन की साथी जरामदा दौलत राम जे लिखल लेखन मजमून में मिली थी इन शाह के साले जो मुआव
ऐं 60-70 वारे ॾहाके में सिंधी भाषा लिपि ऐं सिंधीअ जे सिंध जे इतिहास ते हिंदवासीअ में जेके लेख लिखिया जेके पोइ हिंद में डॉक्टर मोहनलाल शर्मा मोतीलाल जोतवाणी ऐं सिंध में रखियल मुराई ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ तरफ़ां किताबी सूरत में छपाया सिंधी लिपि भाषा ऐं सिंध देश जे इतिहास बाबति केतिरियूं नयूं निकोरियूं ॻाल्हियूं पेश कनि था ऐं एतिरा त अहम आहिनि जो उन्हनि सबल भारत में डॉक्टर मुरलीधर जेटले डॉक्टर कन्हैयालाल लेखवाणी डॉक्टर लक्ष्मण खूबचंदाणी ऐं सिंध में डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच जहिड़ा मशहूरु भाषा विज्ञानी ऐं इतिहासकार बि उन्हनि खां मुतासिर थिया। स्पीड में न करे थो खणां टाइम थो बचाए तव्हांखे टाइम बचाइण लाइ पतो थो ॿियो पेपर बि आहे 5 बजे हाल ख़ाली कर ॿ पेपर अञा ॿ पेपर अञा हिकु न ॿ पेपर अञा कदालत बाबति कई मज़मून लिखिया पर हिते मां जेको मौजूदु माना ओरिजिन ऑफ सिंधी लैंग्वेज आहे हिन जेको वॾो आर्टिकल या मज़मून या मकालो लिखियो एंसेस्ट्री ऑफ सिंध सिंधी पोइ उन मां गुण गुण बाबति जयराम दास सभु उनजो सोच जेको आहे उनजो रायो आहे उहो ज़ाहिर थी बीहे था। इन पेपर में जयराम दास दौलत राम थोरो छॾींदो इन पेपर में जयराम दास दौलत राम जदीद हिंद आर्याई ॿोलियुनि जिन में सिंधी बि शामिलु आहे तिन बाबति चवे थो त भाषा शास्त्रियुनि जी राय मुताबिक़ उहे हेठे पड़ावनि मां लंबियूं आहिनि। नंबर 1 वेदनि जी रचना खां अॻु इस्तेमाल में ईंदड़ मुख़्तलिफ़ उप ॿोलियूं जिन खे क़दीम हिंद आर्याई ॿोलियूं करे थिए सघियो वियो। नंबर 2 वेद रचींदड़ मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे मुस्कोर इस्तेमालु थींदड़ ॿोलियुनि मां किन ते आधार हिकु जाम ॿोलीअ में वेदनि जी रचना थी क़दीम हिंद आर्याई ॿोलीअ जे ॻाल्हाईंदड़नि नमूननि खे किन भाषा शास्त्रनि अवायली या इबदाई प्राकृत करे कोठियो। नंबर 3 उहे शुरूआती प्राकृतिक ॿोलियूं इर्तका पधी रहियूं उहे सूरत हाल मुताबिक़ पंहिंजी पंहिंजे इलाइक़नि में ओसर जे दौरान तब्दील थींदियूं रहियूं इन ई बदिलाव जे दौरान प्राइमरीअ मां सेकेंडरी स्टेज ते आहियूं। नंबर 4 आलमनि प्रचलित ॿोलियुनि मां हिकु खे कंहिं रिथा हेठि इंतिज़ाम में आंदो जंहिंखे दुनिया क्लासिकल संस्कृतीअ नाले सां सॾे थी उहा लॻातार लिखण में अचणु ऐं उन जा ग्रामरी नियम बि ठहणु शुरू थिया क़ाइमु थींदा विया ऐं अॼु ताईं उहा हलंदी पई अचे। हूअं बि का बि ॿोली ग्रामर या ज़बान जे उसूलनि मां वजूद में कान ईंदी आहे हूअं बि का बि ॿोली ग्रामर या ज़बान जे उसूलनि जे उसूलनि मां वजूद में कोन ईंदी आहे ॿोलियूं पहिरियों ठहंदियूं आहिनि ग्रामर ऐं उसूल उन खां पोइ ठहंदा आहिनि। नंबर 5 बहरहाल साॻे ई वक़्तु ॿियूं उप ॿोलियूं जेके चई खे खणी क्लासिकल संस्कृत ठाहिण लाइ कमु आंदड़ ॿोलियूं हुयूं जो भेनर हुयूं से पंहिंजे लेखे विकसित थींदियूं रहियूं अहिड़े पड़ावनि ते पहुतियूं जिते खेनि विच वारी मिडिल हिंद आर्याई ॿोली करे सघी हुयूं उहे उत्तर भारत जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में चालू रहियूं ऐं उन्हनि मां किन जॾहिं साहित्यक रूप इख़्तियार कयो त उहे प्राकृतूं सजणु लॻियूं ऐं उन्हनि मां हिकु वरी क्लासिकल प्राकृतिक जो दर्जो हासिलु कयो। नंबर 6 विचोले हिंद आर्याई ॿोलीअ जे साहित्यक रूप खे अपभ्रंश तौरु ज्ञातो सुञातो थी वियो ऐं विचोले हिंद आर्याई ॿोलीअ जे अपभ्रंश रूप मां ई जदीद हिंदी आर्याई ॿोलियूं निकितल आहिनि उन्हनि मां ई 11वीं सदीअ जी शुरूआति में जदीद भारतीय ॿोलियूं पुठी निकितियूं।
जयरामदास दौलत राम जो चवण है सिंधु देश लफ्ज जुदा जुदा वक्त भारतीय इतिहास में सिंधु माथी के जुदा जुदा हिस्सों जुड़ियल पे दिठो वो है। संस्कृत साहित्य में पिण विचोले जमाने वाले साहित्य में सिंधु देश आम तरह ओलह पंजाब ए पुराने उत्तर ओलहदे सरहद परगणे ए सिंधु माथी के ओलह दखण वाले हिस्से इस्तेमाल पे थो है। सिंधु ए सौवीर के आम तौर लागू इलाक तौर का मानो पे वो ए कदें कदें उनके एक ही देश तौर पे इजहार किया पे वो अज जैसे सिंधु देश तो चाहिए सो सिंधु माथी जो हेठो हिस्सो है। जयरामदास दौलत राम उन नुक्ते के खी ईसा का पंज सदियों अग के व्याकरण आचार्य पाणनी महाभारत वगैरह में हवाला पेश कर यो साबित किया है मार्कंडेय जैसे सिंधु कर समझो है सो इलाको सिंधु न पर ईसा का अग ए पिण महाभारत वाले वक्त जो सिंधु सवल इलाको है जो मौजूद सिंधु के उत्तर ओलह में आगाटे समय की ग्रेटर सिंध हुई जैजू हदों अरब सागर का वही कश्मीर सरहद तई आई। जयरामदास दौलत राम देखिए तो पाणिनी पैंजे अष्टध्याय में सवीर नाले एक भेज मद्रा शराब जो जिक्र किया है वो बालका इलाके के मान में ढो प्यारो पर वो साफ हकीकत है बालका या वाहिका एरा भी उत्तर पंजाब में सोरांजन नाले सुरमे जो जिक्र कंदे जयरामदास दौलत राम चवे तो वो सिंध अंदर काफ़ी मशहूर रो पर वो ठाण ला जो पत्थर कम सो असल में निकर त्रिकुंड जबलन मां यानी हाणो के सुलेमान माउंटेन जबलन मां हो जेके देरा गाजी मां खां देरा इस्माइल खान तई फैलियल हुआ जेका एराजी मौजूद सिंध का उत्तर तरफ है वो सुरमो इंदो सिंधु खां मथे वाले इरादे में हो जैके गलती विचा हाणोकी सिंधु जी पैदावार कर सही हुआ जयरामदास दौलत राम मिसाल दई ग्रामर के बुनियाद सिंधी बोली के विराचंड का मुख्तलिफ ए संस्कृति नजदीक कर दिखाई उन सभी हकीकत के बुनियाद जयरामदास पेपर में निमिरता से यो नतीजो कढ़ो है तो इन हकीकत के आधार से असं इन हासिल करूँ था तो उ बोली अज सिंधी के नाले से ज्ञाती सुती वे थी सा विराचित अप भर चमान न पर प्राकृत के एक मकानी नमूने में उसड़ी निकल बोली जो नमूनो सिंधु माथी के हेठे हिस्से में उसड़ो जो मरकज ब्रह्मण का या ब्रह्मण हुआ या वामन हुआ वगैरह उन्हें चाह हिंदू आर्य बोलियों की इर्तकारी वाट जो अग बयान कल है साफ उन इम्कान के तईद करे थी इन तरह इशारो करे थी सिंधु माथी के हेठे हिस्से में आम मू वेदन का अगवारी प्राकृत गाइंदा हुआ सा घड़ो कर प्राकृत के बे दौर में कदीम सिंधी बोली तौर उभरी हुई थी वह दही सदी ईस्वी ताई गाले की एक मखसूस रूप अख्तियार कदी रही जैसे विचोली सिंधी मिडिल सिंधी कर सदे वो लगे तो मौजूद सिंध में विराचित आम मानू की मकानी बोली वागुर कदें न रही पर थी सके तो जयरामदास मुझे ना यहाँ पर थी सके तो उनको उत्तर सिंध में बोली के कुछ शब्द ए लहजन से असर पे हो जो मौजूद सिंध में इस्तेमाल बोली से असर पे हो इन सभी गाल ध्यान में रखने अज ज कई भाषा शास्त्री जो कि डॉक्टर जेटली नवी बख्शान बलोच कन्हैयालाल लेखवाणी भी इन ही राय जहाँ रखन था तो मौजूद सिंधी बोली जन्म विराचित अप ब्रह्मचमान न पर सिंधु माथी के डाकड़े भांगे में वेदन का अग हलदड़ कें मकानी प्राकृत के जुदा जुदा जमान दौरान उसेल रूप में ही थोड़ा थैंक यू। कलर साहब
असाजे अकादमी जा वाइस चेयरमैन मोहनी गोरानी जिनो मकालो हिंसर तुझो डॉक्टर जगदीश लछाणी मूसा गड जो राया पेश क्या दोस्तों साथियों न्याणी मकालो तान बुध मकाले ते कुछ चवण का बेहतर इन तो जो कुछ चवंदस वो जोड़ने के रूप में उनमें कुछ जुड़ाव थे उन हिसाब से विचार मुख्तसर में तमाम मुख्तसर में टाइम में मतलब घड़ा लिखी तो घड़ो ही आया पेश कस सभी का पैरी तो गाल चवंदस तो सुबह का वी जो भी हिंसर इन मेल तीन बहस हलो उनमें जयरामदास के खी करो अस पेरी पेरी पेपर हीरे ठाकुर बुधी उनमें केतर गाल सजे जो सेशन आजो सजो लगभग गागर में सागर वो सजो तत्व असमें मिली वो इन कर वाज करण की जी कोशिश कई हुई है इन मकाले में तो उनके अस दोहराव भी चई सकूँ था मत बुध में चढ़ बार बार अस यो बुधू पाया जेस तीन मकाले जो वास्तो है जो सुबह का वी बुधू पाया या कन्हैलाल लेखवाणी जो या बेन जो बुधोसी यह गाल बिल्कुल वाजह थी चुकी है तो जिन भी सिंधी बोली के गुण ए बुनियाद से राया दिना उ पैरी तो एक विदेशी हैं जे अंग्रेज हुआ उनके नाला मैं न खणंदस तंखा पाकिस्तान जो अस मुसलमान दोस्त हैं हिंदुस्तान जो अस हाँ जदीब हैं उ चौथा उसे मकानी मानू हैं नाला मैं नो खणा उन्हें लेखे जे राया दिना जिनके भी अस लेखवाणी वाजह कर तो उके सब के उसूलन से बदल हैं लिंग्विस्टिक उसूलन से बदल हैं के मेथोडोलॉजी से बदल हैं पर घने भागे घना जे आया हैं जुज्बाती आया हैं या किन शख्स के रायन के असर के खी करो वक्त किया जेस ती जयरामदास दौलतराम के इन राय जो गुण बुनियाद से गाल कजे तो उनको जो सजो आधार आ वो एक जो जो किताब जो नालो दिनो वो एंसेस्टर ऑफ द सिंधी जो असाने कन्हैलाल लेखवाणी भी बुधायो तो उन यो एक सदारती उनकी तकरीर हुई जेका भारतीय विद्या वॉल्यूम अड़े में छपियल वो जो पीरियड आ वो 1957 है जो किताबी सूरत में आए जो नया जो पेच हैं जैमें छपियल वॉल्यूम में उकतालीन का वी 59 पेज नंबर अचे तो मन जरे घट 18 पेज उन राय के खी करो दिनो आ सीधी सीधो सवाल आज मनता मूँ था तो सिंधी संस्कृत प्राकृत के विराचड़ अपभ्रंश में निकली या एक मंजिल धारणा है पर जै गाल असाजे जयरामदास दौलतराम काफ़ी एतराज़ वरतो है उनके खी कर ही सजा राया जो पेश क्या उो भी इन में जो बुधाया वो तो असाजे मार्कन के गाल सो वाज कर कोशिश कई वही है उनको अक्स अस मकाले में अक्स लफ्ज तो कम पाछो लो झजे अंदाज में न उभरल रूप में न पर जो सो धुंधारो धुंधलो अस नजर अचे तो इतने गाल कभी चवन चाहस तो पैं जो पेज दिना वन या जैमें बिब्लियोग्राफी पुठिया दिनी वही है जो किताब रेफरेंसिस दिना वन उन मकाले के विषय से सब सिंधी बोली के हवाले से सिंधी बोली के हवाले से वो उन संबंध रखन था पर जयरामदास जो वैल्यू जैसे इन छंड छाण करनी है उनको अक्स मुखे किथे भी नजर को अचे सवाए उनके लेख जो लास्ट में
बिब्लियोग्राफी के लास्ट में जो दिनों वो तो हिन के आधार से तो बाकी जो भी हवाला दिना व्यान उ सब हवाला सिंधी बोलिए के अवसर गुण बुनियाद ये बेन के रेफरेंस से हवाला नजर अचन था जदे के मां ये तो समझा तो जैसे असा हवाला दियणा ही हुआ तो जयरामदास दौलतराम के खी कर इन गाल के जयरामदास दौलतराम जी गण के खी कर लाल सिंह अजवाणी लीलाराम लुचनाणी ए असाजे मुरलीधर जेटले कन्हैयालाल लेखवाणी ए बेन केतर पोती हीरानंदाणी इन ही राय के खी कर जयरामदास की राय के खी कर किताबन में न सिर्फ उन्होंने जिक्र किया पर उन्होंने पैंजा विचार भी पेश कया उन हवाले से तो जमें शामिल थियन हाँ तो मां समझा तो सोने ते सुहागे जो कम थी कहड़न कहड़न विद्वान भाषा विज्ञान जयरामदास दौलतराम जी इन राय से शामिल थियन या न या उन्होंने नजर में केतरी उनकी छंड छाण है वो भी जैसे इन में उभर हुए हाँ तो मां समझा तो असो मकालो जो आसोजे नमूने थे इन मूं घो ही पर एक बाल भी हाँ एक बाल भी चवन चाहस त जयरामदास दौलतराम एक गाल हीरे ठाकुर भी चाहिए लिखो आ महाभारत के युग में दुर्योधन सिंध के विचे हिस्से में हाँ 30,000 ब्राह्मण की एक बस्ती वसाई हुई जैसे ब्राह्मण बाद या पानी के अष्टाध्याय में जो जिक्र जो अस हो पर इन में नो समझी सके जैसे एतरे अंदाज में सिंध में ब्राह्मण आया तो जरूर उन्होंने सिंधी बोली के या संस्कृत के हवाले से कुछ तो असर थो हों जो जिक्र जो अस जयरामदास हवाल आ जैसे उनके हवाले से जी कुछ रायजनी कजे हाँ तो मां समझा तो उन एक वजन मिले इन हिंदवासी में जो इन छपिया लेख जयरामदास दौलतराम जे हिंदवासी में लेख छपिया उन्होंने जिक्र तो कर पर एक लेख आको 1557 में हिंदवासी में एक खत लिखो जयरामदास मां समझा तो हिरे ध्यान से ध्यान होंद तो तारीख अल हिंद के महकक अलबोर्नी जो जानल हो तो 10,000 जो थी चुको इन वक्त हिंदुस्तान में 11 लिपिन जो वायपो है जैमा 3 सिंध में मुरवर जैन जो जिक्र तुम भी किया अर्धनागरी सैंदव ए मलवाणी तो उन जो असाजे जयरामदास यो लेख लिखो उन में गुण बुनियाद से भी थोड़ो जो अस उन जिक्र किया जैसे उन में इन के हवाले से अलबर्नी के हवाले से हाँ हाँ उन रेफरेंस से भी जो में थोड़ो अची वे हाँ तो मां समझा तो बेटर लगे आखिर में मकाले में सिंधी बोली की महानता विशालता शब्द भंडार से गुड खासियतू दिनल रोशनी भी विधल है धणा दिनल अहवाल भी उन सिलसिले में आहन पर उन्होंने सिंधी बोली के हवाले से जयरामदास दौलतराम जो उन्होंने रायजनी कल हो हाँ तो बेहतर थे हाँ जी मेहनत अभ्यास कल है पर तक तौर थोड़े में जो नतीजा कि इन नतीजा दिना उन्होंने एक राय कायम कयो पर जो राय कायम कयो वो सागो ही राय इन दोहरायो जो जयरामदास दौलतराम के तकत का दिनो पर रायजनी छेद करण से उनसा गड जो थोड़ो तनकीदी नजरियो में हुए हाँ उभरी बे हाँ तो समझा तो मकालो घो घो सुनो सुंदर लगे हाँ वरी भी मेहरबानी शुक्रिया हाँ अर्ज कदे भा बंसी हमीद में बंसी
सबका पहरी डॉक्टर के छानिया के बाद के चाहिए उस तो उन्हें काफी छंडा छाना करे ही पेपर पेश में हुआ है ना पेपर ते है ना पेपर ते मुंह के पैंजो रहा है वो क्यों ना लाए चाहिए हुआ है इन्हीं विषय ते अचानक का पहरी माँ चावन चाहिए उस तर डॉक्टर लक्ष्य लक्षानी चंद बोलिए के कौम की रूह सजी दे बोलिए जी अहमियत तमाम सुठे नमूने डॉक्टर गुलाम अली अलाना जी लफ्जन में समझाया है त बोली आवाज़न जी उहा सूरत आए जैमा लफ्ज ठहंदा आहिनि ग्रामर जी ज़बान में बोली ॻाल्हाइण जे लफ्ज़नि पार्ट्स ऑफ स्पीच जी मदद सां अदा कई वेंदी आहे बोली उहो वसीलो आहे जेको माना मक़सद ऐं ख़्याल जे इज़हार में मददगार साबित थींदो आहे बोली गुफ़्तगू या बयान करण वारो पंहिंजो मक़सद ऐं महफ़ूज़ आसानीअ सां अदा करे सघे थो वाजिब फख्र करणु खपे त आर्य लोक सभ खां अॻु सिंधुअ जे किनारे ते अची वसिया हुया उते ई दुनिया में अवाली ग्रंथ ऋग्वेद जी रचना थी सिंधु ऐं सिंधुअ मां हिंदू ऐं हिंदू नाला डॉक्टर लछाणी जी चवनि था अॼु जॾहिं कंप्यूटर जे ज़रिए मगरब जे लासानी माहिरनि मोहन जे दड़े मां लधल मोहरनि ते अखर पढ़िया आहिनि तॾहिं ज़ाहिरु थियो आहे त इन ते लिखियल 5000 पुराणा लफ़्ज़ अॼु बि साॻे ई उचार सां साॻे ई माना सां सिंधीअ में राइज आहिनि सिंधी लफ़्ज़नि जो ज़ख़ीरो दुनिया जे कंहिं बि ॿोलीअ जे लफ़्ज़नि खां घटि न आहे हिते मां तव्हांजो ध्यानु छिकाइणु चाहींदुसि हिते हिननि चयो आहे की इहा जेका मुहरनि ते ॿोली आहे उहा सिंधी आहे साबित कयो त हिते मां तव्हांजो ध्यानु ॾियणु चाहींदुसि त जेतिरी मूंखे ॼाण आहे उन मुताबिक़ मुंहनि जे दड़े मां लधल मोहरनि जी लिखित कहिड़ी ॿोलीअ में आहे अञा ताईं ख़बर न आहे इन ते तहक़ीक़ात हली रही आहे तंहिं करे जेको डॉक्टर साहिबु चयो आहे तव्हांखे आउटराइट चवणो आहे त उहो आउट ऑफ ट्रैक वियो आहे या पेपर ते ॻाल्हायल आहे टाइटल ते ॻाल्हायल आहे तव्हां वरी हिकिड़ो ॿियो काउंटर पेपर चालू करे छॾियो काउंटर पेपर न आहे बसि तव्हां तासो ॾियो बलदेव प्लीज दो सेकंड मुझे ट्राई प्लीज हां ही कर खत्म कर लो जल्दी ताकि गाद हली रही है त इहो मूंखे ठीकु नथो लॻे पर थी सघे थो मुंहिंजी ॼाण मुकमल न हुजे हिकु ॿियो सुवाल बि थिए थो त जे मोहन जे दड़े जे ज़माने में बाक़ाइदा सिंधी लिखी ऐं पढ़ी वेंदी हुई त सिंधी ॿोलीअ जी गुण बुढ़िया ते वधीक कुझु चवण लाइ रहिजी नथो वञे हिकु ॿी ॻाल्हि बि मुंहिंजे ज़हन में अचे थी त जेका ॿोली मोहन जे दड़े जे वक़्तु उते ॻाल्हाई वेंदी हुई छा इहो ज़रूरी आहे त सिंधी हुजे इन करे छो ॻाल्हि थोरी लाइन तां पटे तां लही रही आहे तंहिं करे ऐं टाइम आहे कोन सो महिरबानी करे हिनखे छपाईंदा श्री जयराम दास दौलतराम जन सिंधीअ खे विराचन खां निराली पर संस्कृत जे वेझो लेखियो आहे इहो नतीजो बि कढियो आहे त हक़ीक़तुनि जे आधार ते सिंधी ॿोली विराचन अप्रवंश मां न पर प्राकृत जे हिकु मकानी नमूने मां उसरी निकितल आहे हुननि जो पको रायो आहे त सिंधी ॿोली विराचन अप्रवंश मां न
वैदिक संस्कृत के दौर में मकानी प्राकृत में उस टाइम बोली आए असि दिसू दा अलग अलग विद्वान जराया अलग अलग आए सबनी वट पेंजी पेंजी दलील हो एड़ी सूरत में मां योग चवण चाहिए दोस्त जैसी ताई कोई पुख्तो सबूत न तो मिले सिंधी बोली संस्कृत का अगुजी या संस्कृत का पोजी या का भी आए इन्हें ते कोई भी खातिर सा कुछ नतीजो कढ़ मुश्किल इना पर नामुमकिन आए श्री जयनारायण जन सिंधी जा वड़ा विद्वान हुआ उन्हें जी जदोजहद के करे ही असानी सिंधी बोली के संवैधानिक अहदो मिलो है यो चवण गलत न थी तो जे अज असते सिंधी बोली से बहस क्यों था यो भी उन्हें जी मेहनत जो नतीजो है तें करे मुझो विचार आए तो असि उन्हें जी गाल मनियूं श्री पेपर जो विषय हो जयराम दास व्यू एनालिसिस ऑफ जयराम दास व्यू माथम जा तो ओतई उस तई कन्फाइन महदूद पाने के रखन खपन हो पर असाजे भा जगदीश लचाणी डॉक्टर जगदीश लचाणी प्रोफेसर जगदीश लचाणी उन्हें छाए जो विषय का पहली चार पंज पेज जेके आयन है वो सिंधी बोली की जगह वजाहत कई है वह वजाहत कई है हाँ छाए प्रोफेसर समझना है ना तो भाई जेके सामू बैठा है उनके शायद जाने को नहीं का प्रोफेसर जो तो कम ही होते हो ना यानी करे होना है पर मां समझान दो तो उन्हें वजाहत जी जरूरत कौन रही इशू डर सिंधु उन्हें विषय दे बाहर गल आए ऐसे तो जयराम दास दे चुका जयराम दास जो जो व्यू आए तमाम सिंपल आए उन्हें सिंधु वो पहले उन्हें पढ़ना था वहाँ लिखेंगे तो आने घनों ही हिंदुआजी पढ़ी पाई आए हिंदुआजी पढ़ी पाई मैंने पर हूँ ना यहाँ जाके हूँ ना किताब पर हूँ ना मेनली जयराम दास का व्यू यू आए हूँ ना सजो कह आए मार्कंडेय के यार सदी वन बी सत्री सदी जो हो जब वो मार्कंडेय आए जयराम दास फकत यो चाहे हो तो उन्हें इस सिंध के जागराफी की खबर कौन हुई तो सिंध छा सिंध की जागराफी सिंध सोवीर अलग आए लोअर सिंध अलग आए ऐ उन्हें ना बोलने को दायर तो सिंधी जगह है वराचुट मान ननित कला है हाँ उन्हें गलती आयो आए डॉक्टर जगदीश लच्छानी ही उन्हें गलती आयो आए पर इतनो देश आयो आए जो देश नहीं घने वाले छुट्टी हुई है सो एनीवे इट्स अ गुड पेपर एंड असा पावर एंड जो गदायो वो सठो गदायो बस ये हलंदी रहे गानी आप सुसी है।